हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गुरु एडिट चैनल। सो गाइस आज सीखेंगे वीडियो के अंदर कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करना। और यहां पर एडिटिंग आप लोगों को बहुत ही इजी होने वाला है स्नैपसीड एप्लीकेशन में, जो कि आप लाइटरूम में यही चीज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और समझना पड़ता है क्या क्या टूल कैसे वर्क करेगा। तो यही जो हम स्नैपसीड एप्लीकेशन में बहुत ही ईजी ट्रिक में करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को जो है कंप्लीट जरूर देखना, जैसे कि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर पाओ और काफ़ी अच्छे से एडिटिंग सीख पाओ। और हाँ गाइस, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको अपना फोटो को स्नैपचैट एप्लीकेशन में शेयर करके ओपन कर लेना है। एंड गाइस, आपके पास स्नैपचैट एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे गाइस टूल्स वाले ऑप्शन में, एंड फिर यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड सिंपल यहाँ से डन कर देना है। अब आपका ये फोटो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। अब गाइस करेंगे कि यहाँ पे ये देख सकते हो बैक वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आने के बाद व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर हम ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे एंड एडिट में आ जाएंगे। अब एडिट में आएंगे तो गाइस ये फोटो हमारा पहले की तरह हो गया, बट गाइस हम यहाँ पर इन्वर्ट करेंगे तो ये फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अब गाइस करना क्या है आपको, यहाँ पे जो नीचे वाला एरो है ना उसको पूरे जीरो पे कर देना है, एंड जीरो पे करने के बाद अपने फेस पे और जितने भी आपके स्किन कलर होना उन पे आपको इरेज कर देने हैं कुछ इस तरीके से। और इरेज कर लेने के बाद देख सकते हो फोटो में जो है आपका अभी भी अच्छा सा लुक आ रहा है इस कलर में भी, ब्लैक एंड व्हाइट में भी, बट हमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखना। तो अब गाइस करने क्या है, आपको टूल्स वाले ऑप्शन में दोबारा से चलना है, एंड वहाँ पे गाइस आपको एक मिलेगा डबल एक्सपोजर का। तो हम चलते हैं यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन में, एंड हम स्क्रॉल करके आएंगे नीचे में तो लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा डबल एक्सपोजर का, तो इस पर क्लिक करना है एंड प्लस फोटो पर क्लिक करेंगे और एक यहाँ पर रेड जो है बैकग्राउंड बना रखा है मैंने वो आपको ले लेना है। अब लेने के बाद इसका बीच वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे डार्क एन पे कर देना है, ये जो ब्लेंडिंग मोड रहेगा, ठीक है। तो हमें डार्क एन पे कर देना है एंड सिंपल यहाँ से डन कर लेना है। अब डन करने के बाद फिर से गाइस हमें करना है वही टूल अगेन हमें यूज़ करना है, बैक पे जाना है एंड फिर व्यू एडिट्स पे और फिर से हमें डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है एंड आ जाना है। और उसी तरीके से फिर से हमें इन्वर्ट करना है जिससे कि हमारा पूरा रेड हो जाए। अब इरेजर वही करना है, नीचे एरो पूरा जीरो पे करके इस तरीके से इरेज कर लेना है अपने पार्ट्स को, सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट्स और ज़मीन से इरेज कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ बैकग्राउंड में हमें ये कलर चाहिए। और गाइस काफ़ी अच्छे से आप लोग आराम आराम से करना, मैं फिलहाल तो ये वीडियो को मैंने फास्ट कर रखा है तो फास्ट देख के आप लोग भी फास्ट मत करने लग जाना, नहीं तो अच्छे से नहीं होगा। एंड गाइस देख सकते हो हमारा हो चुका है यहाँ पे बैकग्राउंड पूरी तरह से रेड। अब गाइस हम कुछ इसमें एडिट करेंगे, तो पहले चलते हैं बैक, एंड बैक में आने के बाद अब देख सकते हो हमारा फोटो में भाई रेड टोन आ चुका है बट हमारा पूरी तरह से नहीं हुआ। अब आएंगे विंटेज वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पर एक हमें सिक्स्थ नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, तो ये वाला फिल्टर हमें सेलेक्ट करना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपल डन करना है, फिर आपका जो फिल्टर एकदम बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया आपका मॉडल, ठीक है। अब करना क्या है, पर ड्रामा वाला एक ऑप्शन मिलेगा तो ड्रामा वाले ऑप्शन पे आना है, एंड इसके अंदर गाइस ड्रामा को जो है आपका फिल्टर फर्स्ट नंबर पे उसे पूरा माइनस में करना है इतना, एंड सेचुरेशन को प्लस में कर लेना है क्योंकि हमें फ़ोटो में कलर ज़्यादा चाहिए रेड का, तो हमें सेचुरेशन को प्लस में करना है, ड्रामा को माइनस में। एंड देख सकते हो फिर आपको जो है फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो गया इतने ही इजी स्टेप में, बिफोर एंड आफ्टर आपने देख लिया। तो आई होप कि गाइस आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है एंड आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।